नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और हिंदी रिव्यू में। आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं फिल्म द आयरिशमैन को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फिल्म की कहानी फ्रैंक शीरन के बारे में है। फ्रैंक शीरन अमेरिका के ऑर्गेनाइज क्राइम में एक बहुत बड़ा नाम थे और ये फिल्म जो है एक किताब पे बेस्ड है जिसका नाम है आई हर्ड यू पेंट हाउसेस, जो कुछ सच्चे फैक्ट्स पे बेस्ड है। फिल्म के शुरुआत में हम देखते हैं फ्रैंक, जिनका रोल रॉबर्ट डी नीरो ने निभाया है, वो अपने अतीत को याद कर रहे होते हैं और ऑडियंसेस को उस बारे में बताते हैं। तो दोस्तों वो बताते हैं कि किस तरह से वो, उनके दोस्त रसल और उनकी उन दोनों की पत्नियां एक ट्रिप प्लान करते हैं। तो दोस्तों फ्रैंक हमें बताते हैं कि रसल को पसंद नहीं था कि कोई उनकी गाड़ी में धूम्रपान करे और इन दोनों की पत्नियां बहुत ज़्यादा धूम्रपान करती हैं, तो वो लोग बार बार गाड़ी रुकवा के एक सिगरेट ब्रेक लेती हैं। फ्रैंक जो गाड़ी चला रहे होते हैं ऐसे ही एक पिट स्टॉप पे अपनी गाड़ी रोकते हैं। जब वो लोग अपनी गाड़ी से उतरते हैं तो फ्रैंक देखते हैं कि वहाँ पे एक पेट्रोल पंप है और वो पेट्रोल पंप को देख के फ्रैंक को अपने पुराने दिनों की याद आ जाती है। उनको उस दिन की याद आ जाती है जब वो रसल से पहली बार मिले थे। वो रसल से पूछते हैं कि अगर उनको याद है ये जगह क्या है, और उसके बाद फिर उनकी और कहानी हमें पता चलती है। कहानी आगे बढ़ती है और हमें पता चलता है कि फ्रैंक आर्मी में थे, वो विश्व युद्ध के दौरान यूरोप में थे, और हमें पता चलता है कि उनसे कैसे कुछ वॉर क्राइम्स कराए गए। हमें ये भी पता चलता है कि फ्रैंक एक हाउस पेंटर है, जिसका मतलब ये है कि वो घरों की दीवार खून से रंगते हैं। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है और हमें ये पता चलता है कि कैसे फ्रैंक एक मामूली ट्रक ड्राइवर से एक बहुत ही ऊंचे लेवल के माफिया बन जाते हैं। क्योंकि ये फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है, तो इस फिल्म में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी हैं जो असल दुनिया में काफ़ी इन्फ्लुएंशियल थे, जैसे कि जिमी हॉफा या फिर जॉन एफ कैनेडी, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ये फिल्म फ्रैंक के पूरे जीवन की कहानी बताती है, उनकी 20 साल की उम्र से उनकी 60 साल तक की उम्र और उससे आगे उनका क्या हाल रहा, वो पूरा हमें ये फिल्म बताती है। The film takes place from 1949 to 2000, goes back and forth in time, continuously. दोस्तों ये फिल्म मार्टिन स्कॉर्सेसी ने डायरेक्ट करी है। मार्टिन स्कॉर्सेसी हॉलीवुड के एक बहुत ही बाहुबली डायरेक्टर हैं और दोस्तों उन्होंने फिल्म्स जैसे टैक्सी ड्राइवर और गुडफेलाज बनाई हैं, जो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हैं। मार्टिन स्कॉर्सेसी का ऑर्गेनाइज क्राइम और माफिया से रिलेटेड फिल्म्स बनाने में काफ़ी अच्छा हाथ बैठ चुका है। दोस्तों अगर हम इसके बारे में सोचें तो सिर्फ फ्रैंक ही अपने करियर को पीछे नहीं देख रहे हैं, मार्टिन स्कॉर्सेसी भी अपनी पुरानी फिल्मों को एक तरह से याद कर रहे हैं। दोस्तों काफ़ी सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने मार्टिन स्कॉर्सेसी के साथ पहले फिल्मों में काम किया है और वो इस फिल्म में दोबारा हैं, जैसे कि रॉबर्ट डी नीरो, जो उनका बहुत सारी फिल्मों में काम कर चुके हैं, जो पेस और अल पचिनो और अन्य। दोस्तों ये एक्टर्स इतने वेटरन हैं कि इनकी एक्टिंग एकदम फ्लॉलेस है। और दोस्तों क्योंकि ये लोग इटालियन बैकग्राउंड से आते हैं तो ये एक्टर्स इस बैकग्राउंड से बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं। इस फिल्म में रॉबर्ट डी नीरो फ्रैंक शीरन का रोल प्ले कर रहे हैं, जो 20 साल की, 40 साल की, 60 साल की उम्र में दिखाए जाते हैं। तो दोस्तों ऑब्वियसली उनका रोल सबसे ज़्यादा कठिन रहा होगा, पर दोस्तों वो ये रोल काफ़ी सरलता से निभा लेते हैं। दोस्तों इस फिल्म में अल पचिनो भी हैं, जो जिमी हॉफा का रोल प्ले करते हैं, और दोस्तों इस फिल्म में जो पेस्ट भी हैं, जो रसल का रोल प्ले करते हैं। दोस्तों ये फ्रैंक को 20, 40 और 60 साल की उम्र में दिखाया गया है, तो ये अचीव करने के लिए एक टेक्नोलॉजी आती है या एक इफ़ेक्ट्स है जिसको कहा जाता है डिजिटल डी एजिंग। तो दोस्तों ये वही सेम टेक्नोलॉजी है जो सैमुअल एल जैक्सन पे कैप्टन मार्वल में यूज़ की गई थी। और दोस्तों इस फिल्म में रॉबर्ट डी नीरो, अल पचिनो, बाकी अन्य एक्टर्स पे भी अप्लाई की गई है, और दोस्तों ये इतने अच्छे से अप्लाई करी गई है कि वो लगता नहीं है कि वो VFX है या कुछ मेकअप है। फिल्म का म्यूज़िक भी काफ़ी बढ़िया है, जो फिल्म का साउंड ट्रैक है वो काफ़ी जगह हमें 70 के या 60 के दशक की याद दिलाता है। दोस्तों जिस तरह से फिल्म के कलर्स हैं और जिस तरह से फिल्म के शॉट्स हैं, वो देख के भी ऐसा लगता है कि ये फिल्म शायद 60 या 70 के दशक में बनाई गई हो। दोस्तों इस फिल्म में कुछ शॉट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा शानदार हैं, और दोस्तों क्योंकि ये मार्टिन स्कॉर्सेसी की फिल्म है तो हम ये एक्सपेक्ट ही कर सकते हैं कि ऐसे शॉट्स इस फिल्म में रहेंगे। फिल्म 3.5 घंटे लंबी है और इस फिल्म में हमें फ्रैंक की पूरी ज़िंदगी के बारे में पता चल जाता है। मेरे हिसाब से शायद ये फिल्म थोड़ी छोटी हो सकती थी, पर ठीक है,
एक और चीज़ जो है दोस्तों, वो फिल्म की एडिटिंग है। तो काफ़ी जगह इस फिल्म में कट्स हैं या एडिट्स हैं, जो जंप कट्स हैं या फिर जो मैच नहीं हो रहे, और मेरे को देख के वो थोड़ा लगा कि ये शायद और स्मूथली किया जा सकता था। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि अगर फिल्म बहुत बढ़िया हो तो ये सब चीज़ें लोग इग्नोर कर देते हैं, पर मैं ये इग्नोर नहीं कर पाया। पर ये कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, तो बहुत माइनर सी चीज़ है जो मेरे हिसाब से आप चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज रेटिंग्स पे। तो इस फिल्म में रॉबर्ट डिनेरो और एल पचिनो जैसे वेटरन एक्टर्स की एक्टिंग के लिए मैं इसको दूंगा 5 में से 4.5 स्टार। दोस्तों इस फिल्म के डायरेक्शन के लिए मैं दूंगा इसको 5 में से 4 स्टार। और दोस्तों इस फिल्म के VFX या डी एजिंग जो मैंने बताया उसके लिए मैं दूंगा इसको 5 में से 4 स्टार। ओवरऑल दोस्तों मैं इसको दूंगा 5 में से 4 स्टार। और मेरा वर्डिक्ट ये रहेगा कि आप ये फिल्म ज़रूर देखिए, और अगर हो सके तो आप ये फिल्म एक सेटिंग में बैठ के देखिए। मुझे पता है ये फिल्म थोड़ी लंबी है, और अगर शायद थिएटर्स में होती तो हमें ये दिक्कत नहीं होती, हमें उठना नहीं पड़ता, कि कुछ डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि ये फिल्म थिएटर्स में नहीं है, ये एक तरह से इस फिल्म के साथ अन्याय है। पर दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये फिल्म एक सेटिंग में देखें। चलिए दोस्तों, ऐसा आज का रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको ये फिल्म देख के क्या लगा। और दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग काफ़ी सारा कंटेंट बनाते हैं जो फिल्म और TV से रिलेटेड है। अगर आपको ये सब देखना काफ़ी पसंद है तो आपको ये देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपके सब्सक्रिप्शन से हमारी बहुत मदद होती है, इस चैनल की बहुत मदद होती है। जो लोग इस चैनल के पीछे हैं उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है कि हम ऐसा और कंटेंट बनाएं। तो दोस्तों मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और आप स्वस्थ रहिए।